निषाद पार्टी के नवनियुक्त विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद द्वारा भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शास्त्री चौक पर डॉक्टर संजय निषाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पहले से मौजूद कैंट पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पुतला नहीं फूंकने दिया। इसके संबंध में पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व महानगर मंत्री उत्सव राय ने कहा कि किसी भी धर्म और जाति टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान श्री राम पर अशोभनीय टिप्पणी की है जो गैर मर्यादित है, इसलिए डॉक्टर संजय निषाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जबकि इस मामले पर वीडियो जारी कर डॉक्टर संजय निषाद ने अपने बयान का खंडन किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री उत्सव राय ने कहा, किसी भी मंदिर जाति धर्म या कोई भी विशेष आदमी किसी भी धर्म या किसी भी मजहब की टिप्पणी करे कोई भी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार नहीं है भैया कि किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी भगवान से कोई भी नहीं उठाए। सबकी आस्था है, सबका सबकी आस्थाओं का मतलब है भैया, सबकी चाहे आप विरोध करने के लिए सड़क पर आएंगे। गंदी गंदी का बच्चा बच्चा जो पूर्वज हम लोग को बनाते हैं, जो संस्कार हम लोग किताबों में पढ़ा उठते हुए और उंगली उठाते हैं, उसका विरोध हम लोग करेंगे। उस विरोध करने के लिए हम लोग विरोध जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उत्सव राय, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, पूर्व महानगर मंत्री। ये संजय निषाद जी का पुतला पुतला था, कल रात को इनकी टिप्पणी जो राम जी के ऊपर आई है उसका हम विरोध करते हैं। और ये जो पुलिस जो द्वारा ये जबरदस्ती पुतले को छीना गया है ये गलत है, क्योंकि हमको अधिकार है किसी भी लोगों का विरोध करने का, हमको आज़ादी का अधिकार है, हमको जो गलत लगेगा, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र, हम सबके लिए आके खड़े हो सकते हैं रोड पर। ये हम युवा अगर किसी भी धर्म या किसी भी जाति पर कोई विरोध करेगा तो उसके लिए हम रोड पर आएंगे, और अगर इस पर अगर कोई रोकता है तो ये सरासर गलत है। इसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेदार देता हूँ कि उनको किसी भी आदमी को किसी कोई कार्रवाई करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। संजय निषाद जी का अब वो टिप्पणियों को खुल के मैं नहीं कहूँगा, लेकिन श्री राम जन्मभूमि जो हमारे पूर्वज और हमें सिखाए हैं, जो किताबों हमने पढ़ा है, उसको वो झुठलाते हैं और वो एक गलत चीज़ है, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। हमारा मांग है वो अपना बयान वापस लें और उसके लिए वो माफ़ी मांगे और अपना काम करें और हम लोग को जीने खाने दे, किसी भी धर्म या किसी भी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी ना करें।